नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिज मसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय की। आप जानते हैं प्रतिदिन इस चैनल में तरह तरह की वीडियो डाली जाती हैं, रेकी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मानसिक तनाव से संबंधित, रोजाना एक उपाय डाला जाता है और बहुत कुछ इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ नया, वो भी आप देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। अब हम बात करेंगे 21 दिसंबर 2019 के उपाय की। 21 दिसंबर 2019 को शनिवार है और शनिवार का उपाय बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करना चाहिए। आप जानते हैं 26 दिसंबर को ग्रहण आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण है, और इससे पहले कुछ दिन बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय होने चाहिए ताकि ग्रहण का असर हमारी लाइफ में बहुत कम पड़े। ग्रहण पर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं। तो अब शनिवार के उपाय की बात करेंगे। एक नारियल ले लीजिए और सरसों का तेल ले लीजिए। ये दोनों वस्तुएं किसी को दान करें या शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें या फिर किसी को दान करें। और जो लोग दान भी नहीं कर सकते हैं, किसी मंदिर में चढ़ा भी नहीं सकते हैं, उनको चाहिए कि काले तिल ने सरसों के तेल में भिगोकर नारियल पर लगाएं और जल प्रवाह कर दें। जो ये भी नहीं कर सकते हैं वो सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरा दें। तो इस प्रकार आज का उपाय आप कीजिए, आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा राहु काल, यानी वह समय जिसमें आपने कोई विशेष कार्य नहीं करना है। राहु काल समय नोट कीजिए, सुबह 9 बजे से लेके 10:30 तक, यानी 9 से 10:30 बजे तक का समय सुबह का राहु काल में रहेगा। इस समय में कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल विचार दिन में ही किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, रात को नहीं होता है। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।